पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का ही लगना चाहिए। ये कहना था पीएम मोदी का, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उसमें एलन मस्क और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर अपने मन की बात भी की। और अब एलन मस्क के लिए भारत से एक बड़ी खुशखबरी आई है। एलन मस्क के भारत आने से पहले ही टेक अरबपति की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को कथित तौर पर टेलीकॉम इंडस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। अब अगर मस्क को होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिल जाता है तो स्टारलिंक के लिए भारत में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। यूजर्स के लिए सबसे सस्ते डेटा प्लान की उम्मीद जग जाएगी। लेकिन भारत में पहले से मौजूद टेलीकॉम दिग्गज कंपनियों की मुश्किलों में इजाफा हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। एलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मस्क को पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस काफी महंगी होती है, लेकिन भारत में इसे सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले से स्टारलिंक के मुकाबले को तैयार है। ऐसे में स्टारलिंक के पास सस्ता डेटा देने के अलावा और कोई चारा अभी तो बचता नहीं दिख रहा है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट में काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 एमबीपीएस की स्पीड का दावा करती है। रिलायंस जियो ने पिछले साल मार्च में अपने नए पोस्टपेड प्लान पेश किए थे, तब कंपनी को मार्केट में उतना रिस्पांस नहीं मिला था, जबकि दूसरी तरफ एयरटेल के पोस्टपेड कस्टमर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह एयरटेल का पोस्टपेड सर्विस को प्रीमियम बनाना है, साथ ही कंपनी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत किया है, जिस स्ट्रैटेजी से एयरटेल बाजी मार रही है। उसे पछाड़ने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री होने जा रही है। अगर इंडियन टेलीकॉम मार्केट में स्टारलिंक को हरी झंडी मिल जाती है तो ये एयरटेल और जियो के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया के पास अब काफी कम यूजर बेस बचा है, तो अभी भारतीय इंटरनेट बाजार पर इन्हीं दो कंपनियों का कब्जा है। अगर ये कंपनियां स्टारलिंक को पछाड़ना चाहती हैं तो या तो उन्हें सर्विस को बेहतर बनाना होगा या फिर उसकी कीमत कम करनी होगी। इस समय इंडिया में एयरटेल जियो के अलावा वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियां हैं। अपना बिजनेस चलाने वाली इन कंपनियों के अलावा कुछ छोटे प्लेयर भी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये मार्केट की बड़ी मछलियां हैं। ऐसे में स्टारलिंक का भारत में आना इनके लिए चिंता का विषय है। वैसे मस्क के लिए भारत में ब्रॉडबैंड सेक्टर में दांव आसान नहीं होने वाला। अगर स्टारलिंक भारत में आती है तो उसका सीधा मुकाबला अंबानी की रिलायंस जियो के जियो फाइबर से होगा। रिलायंस जियो के पास पहले से ही 439 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं। जियो की 8 मिलियन वायर्ड ब्रांडेड कनेक्शन यानी कि मार्केट पर 25% की हिस्सेदारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मस्क भारत आने के बाद जियो एयरटेल जैसी कंपनियों की नींद उड़ा पाएंगे या खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को